अक्षय कुमार ने जन्मदिन के कुछ घंटे पहले ही अपनी आगामी फिल्म गोल्ड का नया पोस्टर लॉन्च किया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज 9 सितंबर को अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। 50 साल के हो चुके अक्षय कुमार आज भी बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। अक्षय कुमार ने अपने 50वें जन्मदिन को लेकर कई ट्वीट किए हैं। साथ ही उन्होंने ट्विटर पर अपनी आने वाली फिल्म गोल्ड का पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में गोल्ड सिक्का है और सिक्के पर अक्षय कुमार की तस्वीर छपी हुई है। फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार पहली बार रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के साथ काम कर रहे हैं। गोल्ड का निर्देशन रीमा काकती कर रही हैं। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अभिनेत्री मौनी रॉय की शुरुआत हो रही है, जो कि आजाद भारत के सबसे पहले ओलंपिक गोल्ड की कहानी है, जिसे भारत ने साल 1948 में ओलंपिक खेलों के दौरान जीता था। कुछ दिनों पहले ही फिल्म की शूटिंग विदेश में शुरू हुई थी, जहां से कलाकारों की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। ये फिल्म अगले साल 15 अगस्त के दिन रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया है। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि बंटी और बबली की ये चुलबुली जोड़ी रियल लाइफ में भी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। बताया जाता है कि साल 1997 में फिल्म राजा की आएगी बारात से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रानी ने अभिषेक बच्चन के साथ पहली बार साल 2001 में बस इतना सा ख्वाब है में काम किया था। इस फिल्म में दोनों स्टार्स की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और साल 2004 में आई फिल्म युवा से दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और साल 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली से इन दोनों के अफेयर की चर्चा बी टाउन में आम बात हो गई थी। खबरों की माने तो जब इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में अभिषेक की माँ जया बच्चन को पता लगा तो वो अभिषेक से काफी नाराज हो गई थी। जया रानी मुखर्जी को पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से रानी और अभिषेक का रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। रानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक ने उन्हें अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था। ये बताते हुए वो काफी हर्ट लग रही थी। आखिर में अभिषेक ने मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय से 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली थी। इसके बाद रानी मुखर्जी की शादी आदित्य चोपड़ा से हुई। गुरमीत राम रहीम के डेरे के राज खुलने शुरू हो चुके हैं। डेरा सिरसा सौदा में राम रहीम की गुफा किसी ऐशगाह से कम नहीं है। ईश्वर की साधना के लिए बनी इस गुफा में अय्याशी का हर सामान नजर आ रहा है। डेरा सच्चा सौदा के किले में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है और ये तलाशी अभियान अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन जो जो मिला वो राम रहीम का असली चेहरा दिखाने के लिए काफी है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको राम रहीम की उसी गुफा में और बताता हूँ कि आखिर वहाँ क्या क्या मिला है। राम रहीम का एक वार्डरोब भी है। पहली नजर में लगेगा आपको कि वार्डरोब कोई शोरूम है। हर तरफ चमचमाती अलमारियां और इन्हीं अलमारियों में 3000 से ज्यादा डिजाइनर कपड़े मिले हैं। ये वो कपड़े हैं जिन्हें पहनकर राम रहीम फिल्में करता था या अपने भक्तों के सामने आता था। एक एक डिजाइनर पीस की कीमत लाखों में होती है। ऐसे डिजाइनर कपड़े अगर वो रोज पहने तो अगले 8 साल में उस कपड़े का 2 नंबर आएगा। इन कपड़ों को रखने के लिए आलमारी नहीं बल्कि पूरा मॉल चाहिए और इसीलिए मॉल टाइप का वार्डरोब बनवाया गया था। ये चमचमाती अलमारियां खास तौर पर राम रहीम के लिए ही बनवाई गई हैं। वार्डरोब में करीब 1500 जोड़ी जूते भी मिले हैं, यानी एक बार जूते पहने गए तो उसका नंबर अगले 4 साल बाद आएगा। गुफा में सादगी से रहने का दावा करने वाले राम रहीम का बेड किसी 5-स्टार कमरे के बेड से ज्यादा आलीशान है। मखमली गद्दे और स्टाइल का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा बेडरूम में अलग अलग ब्रांड के कंडोम के ढेर मिले हैं, जिनकी गिनती अभी तक खत्म नहीं हो पाई। साथ ही साथ महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स, सैनिटरी पैड्स और गर्भ निरोधक गोलियां भी बरामद किए गए हैं। डेरे के अंदर से कुछ हार्ड डिस्क भी मिली हैं, जिनमें ब्लू फिल्म होने की आशंका है। और इसके साथ साथ वेश कीमती अंगूठियां, मालाएं और कुछ दवाएं भी बरामद की गई हैं।
पुलिस ने राम रहीम की गुफा से दो नाबालिग बच्चों को भी रिहा कराया है। प्रशासन का कहना है कि ये बच्चे लोकल के ही रहने वाले हैं। इसी तरह के ताजा न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।